सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी मरीजों को हॉस्पिटल से ही मुफ्त में दवा देने की बात लगातार की जा रही थी। लेकिन पहले भी कई बार मरीजों के द्वारा शिकायत की गई कि डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं और उनको 10 दवाई के मुंह मांगे दाम भी देने पड़ते हैं, जिसको लेकर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब महानिदेशक स्वास्थ्य ने बताया है कि सचिव और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि कोई भी अस्पताल के डॉक्टर किसी भी मरीज के लिए बाहर की दवाई नहीं लिखेंगे। यदि कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए बाकायदा CMO या फिर CMHO को अवगत कर विभाग द्वारा दवाई खरीद कर मरीज को दी जाएगी। यदि कोई डॉक्टर लापरवाही करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जो वहाँ पर PMS शिखा जंगपांगी, उनको ये तत्काल बता दिया गया था कि ऐसा पुनरावृत्ति ना हो और जिस भी डॉक्टर ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो वो इस पर अपना कार्य